साहब अदालत ने साबिक डीजीएलडीए आहद चीमा के जुडिशल रिमांड में 20 दिसंबर तक तौसी कर दी। आहद चीमा के खिलाफ एलडीए सिटी में अरबों रुपए की करप्शन का केस जेर समात है। इस बारे में बताएंगे हमें मोहम्मद सकलैन जावेद। जी मोहम्मद सकलैन जावेद बताइए। जी नवीद, एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन के रूबरू एलडीए सिटी में अरबों रुपए के करप्शन पे केस पर समात हुई, जिसमें आहद चीमा को 15 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। अदालत ने मुल्जम को 20 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। मुल्जम पर इल्जाम है कि उसने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए बाज लोगों को नवाजा, जिसकी वजह से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा था। इसमें डेवलपमेंट पार्टनर्स मलिक आसिफ, अब्दुल रशीद मियां, ताहिर जावेद, इमरान अली भट्टी, नदीम जियावरा शामिल हैं, जिनको नवाजने के लिए उन्होंने अपने इख्तियारात का गैरकानूनी इस्तेमाल किया था, जिस पर नैब ने शिकायत मसूल होने पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई का आगाज किया था। आज अदालत ने उनको 15 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जी शुक्रिया मोहम्मद सकलैन जावेद।